नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। शुक्रवार की सुबह गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया। अब इस एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसे स्क्रिप्टेड एनकाउंटर तक कहा जा रहा है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने आए और पूरे एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। हालांकि उन्होंने भी सिर्फ उतना ही कहा जितना पुलिस कह रही। प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है, तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसे कानपुर लाया जा रहा था, उसी दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो भागने की कोशिश करने लगा। उसने पुलिस से पिस्तौल भी छीन ली थी और फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया।